हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आयरिश शॉर्ट ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं, तो चलिए इसे बनाते हैं। ये मैंने 1 कप बटर लिया है, रूम टेम्परेचर पे है, इसे इसमें ऐड कर ले बोल में। ये मैंने 2/3 कप शुगर ली है, पाउडर्ड शुगर, इसे भी ऐड कर ले। ये देखिए, बटर और शुगर को हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। इसमें मैं 2 कप मैदा ऐड करूँगी। ये 1/2 चम्मच नमक लिया है मैंने, इसे भी ऐड कर। इसका डो नहीं बनाना है, ये बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। ये मैंने इस तरीके के मोल्ड्स ले लिए हैं, ये सिलिकन मोल्ड्स हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों मोल्ड्स में अच्छी तरीके से बटर अप्लाई कर लिया है। अब हम ये ब्रेड का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारा मोल्ड बिल्कुल रेडी है बेक होने के लिए। हम इसे पैन में बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। पैन को ऑलरेडी मैंने प्रीहीट करने रख दिया था 15 मिनट से। इसे मैं 20 मिनट्स तक बेक करूँगी। ये अच्छी तरीके से बेक हो गए हैं, इसे ठंडा कर ले। ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, 600 ग्राम्स लेना है मुझे। ये एक टिन 400 ग्राम्स का है, तो मैं एक दूसरा टिन और है उसको मैं आधा ले लूँगी, तो ये 600 ग्राम्स हो जाएगा। इसे एक पैन में ट्रांसफ़र कर ले। इसमें 2 चम्मच बटर ऐड कर ले। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखे और इसे स्टर करते जाएं। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक ये थिक कंसिस्टेंसी नहीं हो जाए और थोड़ा कलर भी गोल्डन हो जाए। इस तरीके से विस्क करते जाए। ये देखिए, बटर भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, ये थिक हो रहा है। इसे अभी थोड़ी देर और कुक करना है। ये देखिए, ये साइड्स छोड़ रहा है पैन के, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये कैरेमल हम हमारे ब्रेड पर डालेंगे। अच्छी तरीके से सब जगह पर स्प्रेड करें। इसे हमें गरम गरम ही ऐड करना है। सारे ब्रेड्स पर हम इसे पोर करेंगे। ये देखिए, हमने कैरेमल को अच्छी तरीके से पोर कर लिया है। अब इसे सेट करने साइड में रख ले, इसे फ्रिज में ना रखे। ये मैंने चॉकलेट ली है, इसे मैं डबल बॉयलर पर रखकर मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। हम हमारी चॉकलेट्स इस पर पोर करेंगे। इसी तरीके से सब पर चॉकलेट टॉपिंग ऐड कर लीजिए।
ये देखिए हमने चॉकलेट्स भी इस पे टॉप कर ली है। इसे हम ठंडा होने देंगे, इसे फ्रिज में ना रखें, इसे बाहर ही रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दें। ये देखिए ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कैसे लगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।